प्रेग्नेंट लेडी में हीमोग्लोबिन कम होने से क्या दिक्कत होगी, क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। ये वीडियो बताने का सिर्फ मकसद ये है हम लोगों को अवेयर करने का कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हीमोग्लोबिन अच्छी गर्भावस्था के लिए। मदर के लिए भी उसका अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट रहता है कि हीमोग्लोबिन अच्छा होना चाहिए तो मदर भी स्वस्थ रहती है और बेबी के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगर हीमोग्लोबिन मदर का कम रहता है तो बच्चे को भी कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं और मदर को भी कई तरह की समस्याएं होती हैं। तो ऐसे लोग जिनके घर में कोई भी गर्भवती महिला है तो उनके हस्बैंड जिम्मेदारी लें या मदर या भाई वगैरह जो भी साथ में रहते हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हर गर्भवती महिला की खून की जांच करवाएं। जैसे ही पता चले प्रेगनेंसी है तुरंत तो खून की जांच कराएं और रेगुलर इंटरवल पे करवाते रहें और हीमोग्लोबिन की ध्यान ये रखें कि पॉसिबल हो संभव हो तो 11% से ज़्यादा ही रखें। कुछ लोगों में थोड़ा कम भी रहेगा चल जाएगा, पर अगर आप अच्छे से खान पान पे गोली दवाई कराएंगे तो HbA1c उनका 11 या उससे ऊपर रहेगा। 12 हो जाए, 11 हो जाए, 11.5 हो जाए, 12.5 हो जाए, इस रेंज में रखेंगे। होता क्या है कि जैसे ही HbA1c कम होता है जो बेबी पल रहा है उसका वजन कम होने की संभावना हो जाती है कि उसका वजन कम रहेगा, लो बर्थ वेट बोल। इसके अलावा प्री टर्म डिलीवरी मतलब इमेच्योर पैदा हो जाए, पहले ही डिलीवरी हो जाए, बच्चे के अंदर के आर्गन का डेवलपमेंट रुक सकता है। स्पेशली अगर खून की कमी फोलिक एसिड की कमी के कारण हुई तो कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा बच्चे के अंदर खुद खून कम हो सकता है, एक समस्या बेबी में ये भी हो सकती है अगर मदर में खून कम है, और उसको इन्फेक्शन लगने का खतरा भी बढ़ जाता है डिलीवरी के समय या उसके बाद। और जो डेथ होने की संभावना रहती है, जो बच्चों में डेथ होती है ना कि डिलीवरी के बाद, आप लोगों ने सुना होगा कि बेबी की डेथ हो गई, तो 50% कारणों में हीमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल रहता है, HbA1c का कम हो जाए। महिला के अंदर अगर खून की कमी है तो बच्चे को रिस्क पे रहता है लाइफ। और मदर की बात करें तो अगर उनको HbA1c कम है तो एक तो कमजोरी रहेगी, थकान लगेगी, BP बढ़ेगा, इसके अलावा हार्ट रेट बढ़ेगी, सांस फूलेगी, अपना काम नहीं कर पाएंगी, चिड़चिड़ापन लगेगा, शरीर में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा। तो इस तरह की काफी सारी समस्याएं हैं जो मदर के अंदर होगी डिलीवरी के समय। PPH बोलते हैं कि हेमरेज होने की, ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ जाती है, तो ब्लीडिंग की भी संभावना बढ़ जाती है और इन्फेक्शन होने की संभावना, जो डिलीवरी के बाद इन्फेक्शन होता है उसका रिस्क बढ़ता है और डिलीवरी के समय ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ता है। तो जो डेथ हुआ करती थे पहले के जमाने में, अभी भी होती है डेथ, पर रिलेटिवली कम हो गई है, तो उसके पीछे महिला का खून कम होना एक बड़ा फैक्टर हो, तो मदर के लिए भी बहुत ही खराब है कि खून कम रहे उसके अंदर, और बच्चे के लिए तो बिल्कुल वो भी बहुत ही खराब बात है। इसलिए खून की जांच कराएं और कमी उसमें आती है तो ये भी पता चल जाता है कि खून किस कारण कम हुआ है, आयरन की कमी हो गई है कि विटामिन B12 की कमी है कि फोलिक एसिड की कमी है कि शरीर में कोई इन्फेक्शन लग गया है इसलिए खून अच्छे से नहीं बन रहा है कि प्रोटीन की कमी है, तो इसको अपन बढ़ा सकते हैं सही समय पे। गोलियां भी आती है, इंजेक्शन भी आते हैं, खाने में भी ऐसी चीजें रहती है जिसको खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। ये जो आपको जानकारी मैं दे रहा हूँ बताने का मकसद ये है कि हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है गर्भवती महिला को स्वस्थ रहने के लिए और बेबी के स्वस्थ रहने के। तो ऐसे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो, कोई है जो प्रेग्नेंट है और आपको लगता है कि उनकी खून की जांच नहीं हुई है, तो उनकी खून की जांच करवाएं और डॉक्टर से मिलके उसको पूरे प्रेगनेंसी के पीरियड में और उसके 6 महीने बाद तक एक अच्छा लेवल मेंटेन करना है, 11 से ऊपर। ऑपरेशन के समय अच्छा ध्यान रखें, कई बार क्या होता है कि ऑपरेशन करना पड़ता है, सिजेरियन करना पड़ता है, अगर HbA1c कम होगा तो फिर वो बहुत दिक्कत होगी ऑपरेशन करने में भी। तो ये बातें हैं जिसको ध्यान रखना है। थैंक यू।